आज ठेकेदारी प्रथा जिसको बहुत बड़ा चैलेंज मानते थे उसको पूरी तौर पर समाप्त करके सरकार की कॉरपोरेशन से कौशल रोजगार निगम से हमने लाखों एम्प्लॉयज को कॉन्ट्रैक्चुअली आज सरकार की सेवा में लगाया है। और मैं ये मानता हूं कि उसके अंदर भी जो निर्णय था कि 1,80,000 से नीचे वाले परिवारों को प्राथमिकता के तौर पे जो जॉब्स दिए जाएंगे इसमें असली फायदा ये हुआ कि गरीब के बच्चे को नौकरी मिली। 99% जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पूरे हो गए हैं, क्या फायदा 2024 में देखते हैं? मैं तो ये मानता हूँ जनता के बीच में जो हमने वादे किए उसको हमने प्राथमिकता के साथ सरकार के माध्यम से पूरा करवाया है। दोनों पार्टियों ने इतिहास में पहली बार पिछड़ी बैकवर्ड क्लासेस जिनको हम बैकवर्ड ए कहते हैं उनको ULB और पंचायती राज में भी रिजर्वेशन देने का काम किया। आज महिलाओं को 50% हिस्सेदारी हमने दी, बूथ के अंदर 30% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हमने लाने का काम किया। एचटेट का पेपर हो, पहले तो पूरी पूरी रात लोगों को ट्रेवल करना पड़ता था, आज उनके घर के पास स्थान उनको हम देने का काम करते हैं। कौशल रोजगार योजना जो है वो शुरू करी गई है, वो भी जो है वो एक ठेकेदारी प्रथा ही है। देखो जो बातें हैं वो सामने हैं, आज के दिन हर वर्ग जो है वो त्रस्त, बुरी तरह से त्रस्त है। महंगाई जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, ये जो है नशाखोरी जो है इतना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, बन गया है। भिवानी के अंदर तो हॉटस्पॉट बन गया है क्राइम, साइबर क्राइम का, गंदगी का आलम है। पानी पीने का जो आपको मिलता है वो सीवर का पानी आ रहा है, बिजली के जो बिल हैं उसमें नॉन एनर्जी चार्जेस आपके साथ ले रही है जा रहे हैं, ये जो फैमिली आईडी है जो बनाई है ना, प्रॉपर्टी आईडी, ये सबके गले का फांस बन गई है। तो मतलब हर वर्ग जो है त्रस्त है। जो कर्मचारी है उसको ओल्ड पेंशन स्कीम उसकी बहाल मतलब उसकी काट दी गई है, वो अलग त्रस्त है। अपना ये जो है फौज का जो हाल करा है अग्निवीरों के साथ डालकर, तो फौज को अलग से जो है पूरी तरह से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो हर वर्ग त्रस्त है। आपकी जेब के अंदर के ऊपर कठोरघात हो रहा है, महंगाई इतनी हो रही है उसका जो है साथ में लोगों को, अगर महंगाई जब बढ़ती है तो साथ में अगर लोगों को उसके उनकी आमदनी भी अगर बढ़ती है तो फ़र्क पड़ता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आमदनी बढ़ नहीं रही है, भट्टा सबका बैठ गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कहाँ जाए आदमी का? जो हमारे नौजवान बच्चे हैं नौकरियाँ उनको मिल नहीं रही हैं, इतनी सारी नौकरियाँ जो हैं लंबित पड़ी हुई हैं पिछले 10 साल से, आज तक वो नौकरियाँ भरी नहीं गई हैं। कौशल रोजगार योजना जो है वो शुरू करी गई है, वो भी जो है वो एक ठेकेदारी प्रथा ही है, कच्ची नौकरी है वो भी साल भर के लिए, और वो भी जिस तरह से दी जा रही है वो सबके सामने। एक INLD के कुछ इस तरह के बयान आए कि गठबंधन की इच्छुक है, लेकिन हुड्डा साहब साफ तौर पर नकार रहे हैं कि हम किसी से कोई गठबंधन नहीं करें, क्या ये डिसाइड कर सकते हैं हुड्डा साहब, या फिर कांग्रेस को जरूरत ही नहीं किसी गठबंधन में? देखिए ये सारी चीज़ें चुनाव के समय जो है होती हैं, और सारों का सबका सलाह मशवरा लिया जाता है, कोई एक आध आदमी से ये बातचीत नहीं होती। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत 4-5 नेता हैं, सबको बुला बुला के पूछा जाएगा, और वो उस समय क्या परिस्थितियाँ होती हैं और क्या नहीं होती हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो बहुत जल्दी है ये बात करने की। तो आपका निजी विचार क्या है, करना चाहिए? नहीं, निजी विचार मैंने आपको बताया ना, निजी विचार परिस्थितियों के मुताबिक होते हैं। अभी क्या हम राजनीतिक लोग हैं, ये परिस्थितियाँ जिस तरह से बनेंगी उस समय देखेंगे। कांग्रेस वैसे अपने आप में सक्षम है, कांग्रेस को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। कर्नाटक जो चुनाव हुआ उसमें मुद्दे कौन से थे? मुद्दे क्या थे आपके? मुद्दे थे महंगाई का मुद्दा, आपने ये जो इन्होंने बांटने की कोशिश करी थी लंगायत को और वो दूसरों को, वो लोगों को समझ में आ गई है। अब अल्टीमेटली आप कितने दिन तक आप जो है ये धर्म के ऊपर लोगों से वोट मांगोगे और कितने दिन आप उनको भ्रमित करोगे? इसमें भी भ्रमित करने, वो बजरंग बली के ऊपर भी इन्होंने पूरी की पूरी कोशिश करी थी, वो भी नाकाम हो गई। तो लोगों को समझ आ गई है, लोगों को अपने घरों के अंदर उनको चाहिए नौकरी हो, चैन अमन हो, भ्रष्टाचार जो है आम आदमी के जो है तक ना पहुँचे, सरकार जो है सुविधा दे विकास की, ये काम चाहिए आदमी को। वो 10 साल में उन्होंने 10-15 साल में उन्होंने देख लिया हालात क्या हो रहे थे वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।